नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर मैं आपको ये कहूं कि अब आपके जुम्मे का ब्रेक खत्म कर दिया जाएगा, जो 2 घंटे का ब्रेक आपको मिलता था वो अब नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, सही सुन रहे आप। दरअसल असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 87 साल के फैसले को बदल दिया। असम विधानसभा में अब शुक्रवार को होने वाले 2 घंटे के जुम्मे ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने खुद इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि असम विधानसभा ने 2 घंटे के जुम्मे ब्रेक को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि यह फैसला विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लिया गया है और एक औपनिवेशिक प्रथा को खत्म करने के लिए लिया गया है। दरअसल बता दें आपको कि असम विधानसभा में यह ब्रेक पहले शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए दिया जाता था। जो मुस्लिम विधायक थे वो शुक्रवार को जुम्मे के वक्त 2 घंटे के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब इस फैसले को सर्वसहमति से बदल दिया गया है। इस फैसले को सर्वसहमति से खत्म कर दिया गया है। शुक्रवार को अब कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ये प्रथा आपको बता दें कि 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला द्वारा शुरू की गई थी, जो अब तक चली आ रही थी, जिसे अब बदल दिया गया है। अब इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने असम विधानसभा के स्पीकर विश्वजीत दामरी और विधायकों को धन्यवाद किया और इस फैसले की तारीफ की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने असम में काजी प्रथा को भी खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम विवाह और तलाक का जो रजिस्ट्रेशन है अब सरकारी प्रणाली के तहत किया जाएगा, निजी संस्थाओं के जरिए नहीं किया जाएगा। तो असम में यह फैसला सिर्फ जुम्मा ब्रेक को खत्म करने का तक ही सीमित नहीं है, और भी कई ऐसे फैसले हैं जो लिए जाएंगे। इससे पहले भी आपको बता दें कि असम विधानसभा ने मुसलमानों के विवाह और तलाक के पंजीकरण के कानून को भी खत्म करने का निर्णय लिया था और इसका भी एक विधेयक वो पारित किया गया था। अब असम सरकार लगातार अपने अलग अलग फैसले ले रही है, जिसमें कि अभी और भी कई ऐसे फैसले हैं जो मुसलमानों के पक्ष में वो खत्म करने की बात सामने आ रही है। लेकिन जुम्मे के ब्रेक को खत्म करने का फैसला असम सरकार का कैसा है, इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि असम सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 1937 ये वो वक्त था जब इस फैसले को बनाया गया था, लिया गया था कि जुम्मे के दिन 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अब इस फैसले को ख़त्म कर दिया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सर्वसहमति यानी सारे विधायकों की सहमति थी, जो बहुमत के विधायक हैं वो इसका समर्थन कर रहे थे और तब इसे पारित किया गया। क्या कुछ मानना है आपका इस फैसले को लेकर के, कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।